धामी का आभार, विपक्ष का वार। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उनका कहना है कि इस कानून से नकल करने वाले और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे। वहीं कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने वाला कानून है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मचे घमासान के बाद धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में स्वच्छता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हालत में बच नहीं सकेंगे। युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी में निश्चिंत होकर जुटना चाहिए। महिषासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा। प्रदेश में जहाँ एक तरफ रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, वही प्रदेश की उन्नति और उन्नयन में भी सहायक होगा। भाइयों बहनों, विपक्ष के लोग लगातार इन सब कामों में रुला अटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। हमारी सरकार द्वारा जो राज्य में नकल विरोधी कानून को कठोर निर्णय भी उनके गले नहीं उतर रहा है, वो बीच बीच में हमारे छात्रों को छात्राओं को भर गलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, पूछना चाहते हैं कितने दिनों इनकी भी सरकार रही, क्या ये जांच इनको नहीं करानी चाहिए थी क्या? अगर ये जांच करवा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य में जो हम ये नकल विरोधी कानून लाए या विपक्ष द्वारा घोषित माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई करेगा तो ये नकल विरोधी कानून करेगा। हमने पहली बार नकल करने वाले, कराने वालों और प्रक्रियाओं को सही प्रकार से लागू न करने वालों को जेल की काल कोठरी में डालने का काम किया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसी को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नकल विरोधी कानून जो लगाया गया है, मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से सुबह से ही यहाँ पे युवा एकत्र होने लगे हैं और अपनी बातों को लेकर जो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नकल विरोधी कानून जो बनाया गया है कहीं ना कहीं युवाओं के हित का ये विरोध बनाया गया है। मैं बताना चाहूंगा नकल माफियाओं पर नकल घिसने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, आज यहाँ पर से नकल विरोधी कानून युवा आभार रैली का भी आगाज होने जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे साथ जो युवा है भैया, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून जो बनाया है, इस पर क्या हम पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं? पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहले नकल हो रही थी उसको पकड़वाया, जो कांग्रेस ने लगवाई थी नकल की है, सब ये पकड़वाया है। अब जाके लोग पकड़े जा रहे हैं, देख सकते हैं जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह देख रहे हो, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ खड़ी है। हमारे यहाँ कुछ युवा और हैं, हमसे बात कर रहे हैं। सर भैया, जिस प्रकार से आज नगर में जो कानून बना है उस पर कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी नगर ले रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का सबसे सख्त कानून हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ है। युवाओं में जोश है इस कानून के समर्थन में। आप देख सकते हैं कितना जैन सलाब युवाओं के बीच उड़ रखा है। सब लोग पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सब लोग धन्यवाद पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सब लोग
इस कानून से आने से खुश है। तो देखते हैं किस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो नकल विरोधी जो कानून बनाया गया उसको लेके कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह देना। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो युवा आभार रैली की जो शुरुआत होगी यहाँ पर तो होगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो युवाओं का जोश है किस तरह आगे काम करता है। दीपक अध्याय के न्यूज से हल्द्वानी। एक तरफ जहां सरकार से लेकर संगठन तक इस नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बता रहे हैं तो इसके समर्थन में प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है जिससे युवा को कोई लाभ नहीं होने वाला। विरोधी कानून पारित होने के बाद ये खुद अपने कार्यकर्ताओं से स्वयं का आभार व्यक्त करा रहे हैं। ये इस समय जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रदर्शन जो लगातार पिछले एक माह से हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, ये प्रदर्शन जब तक सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहने वाले। कुल मिलाकर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां सरकार इस कानून को युवाओं के हित में बता रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। थामी सरकार का नकल विरोधी कानून देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इस कानून के तहत नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इस कठोर कानून से नकल करने और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे। ऐसे में आयोजित आभार रैली का विरोध किया गया। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की नहीं आवाज को दबाने वाला कानून है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है जिससे युवाओं को कोई लाभ नहीं। हल्द्वानी से के न्यूज इंडिया के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अब किसकी बारी।